हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं Realme 10 Pro Plus की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिलती है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर दी गई एक लिड जिसमें कुछ मैनुअल्स और एक अच्छी क्वालिटी का टीपीयू केस। बाद में हमें हमारा डिवाइस देखने को मिल जाता है इसी ब्यूटीफुल से कलर में। बाद में एक 67 वाट का सुपर वोक फास्ट चार्जर और फाइनली एक USB टाइप सी केबल। जल्दी से डिवाइस को बूट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी बाकी की स्पेक्स। तो पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, चूंकि इस फोन की मेन हाईलाइट है। यहाँ पे दिया गया है 6.7 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज 10 बिट कर्व्ड एमोलेड पैनल। तो डिस्प्ले क्वालिटी तो टॉप नॉच है। डेफिनेटली रियलमी 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया है डिस्प्ले के मामले में। यहाँ पे हमें फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ओवरऑल बेजल्स भी बहुत कम कर दिए गए हैं। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 चिपसेट, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है डायमेंसिटी 920 का। तो डे टू डे यूजेस में तो आपको इस फोन के साथ में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। पावर एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जाती है इसी चिपसेट की। यहाँ पे एक बात ये है कि स्नैपड्रैगन के 778G को ये चिपसेट बीट नहीं कर सकता। ओवरऑल डिसेंट सही मैं इसे अपग्रेड कहूँगा। इतना कुछ खास अपग्रेड परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में हमें देखने को नहीं मिलता। अब बात करें कैमराज की, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड किया गया है। एक तो बात करते हैं पहले कैमरा सेटअप की, तो पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी है 118 MP का सैमसंग HM6 सेंसर, जिसमें हमें कोई भी OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बाद में है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और फाइनली है 2 MP का मैक्रो लेंस। फ्रंट में दी गई है 16 MP की सेल्फी। तो ये रहे कुछ इमेज सैंपल जो कि इसी फोन से खींचे गए हैं। ओवरऑल डिसेंट सी ही इमेज क्वालिटी में कहूँगा। रियलमी 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डाउनग्रेड किया गया है इसी कैमरा में, क्योंकि रियलमी 9 प्रो प्लस में हमें मेन कैमरा दिया गया था 50 MP का IMX766 सेंसर, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल सेंसर है। उसी के साथ में OIS का भी सपोर्ट दिया गया था। तो ओवरऑल रियलमी 10 प्रो प्लस का कैमरा हमें कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलता। अब बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो इस बार दी गई है 5000 mAh की बैटरी और उसी के साथ में है 67 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे हमें इजीली 1 डे का तो बैटरी बैकअप देखने को मिल ही जाएगा। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो एक बात यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे हमें लेटेस्ट Realme UI 4.0 और उसी के साथ में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिए गए हैं। और Realme की अपडेट पॉलिसी के अनुसार इस फोन को मिलेंगे 2 मेजर OS अपडेट्स और 3S की सिक्योरिटी अपडेट्स। तो एक बात अच्छी है कि Realme यहाँ पे लेटेस्ट Android वर्जन के साथ में ये फोन लॉन्च कर रहा है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑप्टिमाइज किया गया है और डेफिनेटली ये फोन बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है, स्पेशली 120 हर्ट्ज़ की वजह से। बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, NFC और 8 GB तक की वर्चुअल रैम। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें डिसेंट सही देखने को मिल जाता है, बट जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अच्छी है स्पेशली चाइना में। तो जो इसका बेस मॉडल है 8 GB रैम और 128 GB वाला, उसकी प्राइस शुरू होती है 1699 yuan से, जो कि होती है अराउंड 20,000 Indian rupees। तो चाइनीज प्राइसिंग के हिसाब से तो ये फोन बहुत ही अच्छा है, बट अगर बात करें इंडियन प्राइसिंग की, तो अभी के लिए तो मेरे पास कंफर्म प्राइसिंग नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि इसकी इंडिया प्राइसिंग होगी अराउंड 25,000 से लेकर 27,000 तक। मुझे लगता है कि इस प्राइसिंग पे ओवरऑल एक डिसेंट वैल्यू ये फोन लेकर आता है, बट जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है इसकी डिस्प्ले और डिजाइन। तो अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले और डिजाइन है, तो आप इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अच्छी परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा। बस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या लगता है आपको इसी फोन के बारे में, किस प्राइसिंग पे ये फोन इंडिया में आना चाहिए और क्या आप इसे लेने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।